वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो हम पढ़ रहे हैं लाइकोपोडियम की। ठीक है, तो लाइकोपोडियम की जो लीफ है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जो है तैयार हो जाइए, अपना कॉपी पेन जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइकोपोडियम का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का। ठीक, चलिए तो डायग्राम देख लेते हैं पहले हम क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, फिर हम समझेंगे आगे की इसकी जो एनाटॉमी है उसके बारे में। ठीक है भाई, चलिए तो डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर, देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर का देखो आप, इसमें जो सरफेस है ठीक है, दो तरह की चीज़ें हैं। एक स्ट्रक्चर अगर मैं इसको इसमें से बीच में से दो भागों में डिवाइड कर दूँ, इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, तो इसमें ये है इसकी एडेक्सियल सरफेस और ये है इसकी एबेक्सियल सरफेस। ठीक है, एडेक्सियल सरफेस और एबेक्सियल सरफेस। ठीक है, मतलब ऊपर वाली भाग जैसे ये मेरा हाथ है, ये इसका हो गया एडेक्सियल और ये हो गया इसका एबेक्सियल सरफेस। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इस तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बाहर की तरफ है ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस वाली जो कोशिकाएं हैं, इन एपिडर्मिस वाली कोशिकाओं में ऊपर की तरफ में पाई जा रही है क्यूटिकल। क्या पाई जा रही है? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल, क्यूटिकल की एक परत होती है लीफ के अंदर में। ठीक है, और क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के जो नीचे की तरफ में आप देखोगे तो हमें कुछ क्लोरोप्लास्ट वाली कोशिकाएं भी दिखाई देंगी, जैसे ग्रीन ग्रीन सा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखो आप, ग्रीन ग्रीन वाली कोशिकाएं दिखाई दे रही है। इन एपिडर्मल कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं में भी क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था तने के अंदर, तने के अंदर जो कोशिकाएं थी वो पेरेन्काइमेटस थी, लेकिन यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ये कैसी है? क्लोरेन्काइमेटस है। ठीक है, अब इसमें जो लीफ है इसमें रंध्र पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलेंगे? स्टोमा। स्टोमा जो बोलेंगे वो स्टोमा यहाँ पर ये खांच बनने की वजह से, ये रिज बनने की वजह से स्टोमाई का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, और रंध्र के आसपास दो कोशिकाएं होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। ये एक गार्ड सेल ये है और एक गार्ड सेल इधर होंगी। ठीक है, दो गार्ड सेल इसके पास होंगी जो कि रंध्र में पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे चलो। अब देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो मैंने बताया था आपको जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है, ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है, इस ग्रीन ग्रीन से पार्ट के कभी कभी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये इंट्रा सेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, और जो रंध्र होता है इस रंध्र का, ये जो खाली भाग होता है, जो खाली भाग दिखाई दे रहा है हमें, इसको बोलते हैं हम सब स्टोमल केविटी। क्या बोलते हैं? सब स्टोमल केविटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? क्या बोलेंगे? सब स्टोमल केविटी बोलेंगे। ठीक, इस भाग को। ठीक है, अब आप इधर देखो, ये है इसका वेस्कुलर बंडल। इसको क्या बोलते हैं हम? वेस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे इसको? वेस्कुलर बंडल, जैसा कि हम, या फिर बोल दो आप स्टील। ठीक है, अब ये वेस्कुलर बंडल या स्टील होता है, इसके आसपास के साइड में, इसके बाहर की तरफ में देखोगे आप तो यह मिलेगी हमें पेरेन्काइमेटस बंडल सीट। क्या मिलेगी? पेरेन्काइमेटस बंडल सीट। ठीक है, बंडल के बाहर में मिलेगी हमें बंडल सीट। ठीक है, इसके अंदर की तरफ में आप देखोगे तो यहाँ पर है ये फ्लोएम। ये क्या है? इसका फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। ठीक है, और ये बीच में जो पड़ा हुआ है वो है जाइलम। क्या है? जाइलम। ठीक है, तो फ्लोएम समझ में आया, जाइलम समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरी जो कोशिकाएं हैं, ये इस तरह की जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी कैसी है? पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं जो कि क्या बनाती है यहाँ पर? मीजोफिल। क्या बनाती है? मीजोफिल। इसमें भी क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये है लाइकोपोडियम की स्पीसीज की जो लीफ होती है उसका टीएस। तो ये केवल डायग्राम डायग्राम ही 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का डायग्राम पूछ लिया जाता है कि लाइकोपोडियम की लीफ का टीएस का डायग्राम बनाइए। ठीक है ना, तो ये आपको बनाना होता है। ठीक, अब कंपिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से हम देखें यहाँ पर, तो हमें इस लाइकोपोडियम की जो जो लीफ है, इस लीफ की स्ट्रक्चर में एडेक्सियल एबेक्सियल सतह कौन सी है, कौन कौन सी कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस होता है या नहीं होता है, ठीक है, क्या इसके ऊपर क्यूटिकल होती है या नहीं होती है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम डिटेल में स्टडी करते हैं इसकी।
चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो लाइकोपोडियम की जो पर्ण होती है उसमें जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिकल के द्वारा क्या होती है, आवृत होती है, मतलब इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें से अधिकांश जो पत्तियां होती है वो एम्फी स्टोमिक होती है, यानी कि उभयरंध्री। एम्फी स्टोमिक, एम्फी स्टोमिक का मतलब होता है कि जो रंध्र होता है वो दोनों तरफ होता है उसमें, मतलब ये रंध्र इधर भी है और इधर भी है, मतलब ऊपर की सतह में भी है और नीचे की सतह में भी है। मैंने कहा था ना कि पत्ती को हम दो भागों में बांट लें, ये इस तरीके से, इस तरीके की लीफ है। अब ये लीफ थी, मैंने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो जब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो मुझे ये मोटा हुआ भाग दिखाई देगा। मान लो मैंने इसका ऊपर का भाग काट दिया तो मुझे ये दिखाई देगा, तो ये एक पार्ट इधर का दिखाई देगा और एक पार्ट इधर का दिखाई देगा, ऐसे दो पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इस साइड में भी रंध्र हो और इस साइड में भी रंध्र हो, यानी कि ऊपर भी रंध्र हो और नीचे भी रंध्र हो, तो ऐसी जो पत्ती होती है उसे कहा जाता है एम्फी स्टोमेटिक लीफ, ठीक है। या फिर होती है हाइपो स्टोमेटिक लीफ, या फिर होती है हाइपो स्टोमेटिक, जिसमें ऊपर की तरफ में रंध्र होते हैं नीचे की तरफ में नहीं होते हैं, या एक ही तरफ में रंध्र होते हैं, ये भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो अलग अलग तरह की पत्तियां इसके अंदर पाई जाती हैं। तो पहले हम बात करें एम्फी स्टोमेटिक, एम्फी स्टोमेटिक का मतलब है कि दोनों तरफ क्या होंगे, रंध्र होंगे। लेकिन विषम पर्णी जो जातियां होती हैं जिनमें पत्तियां, एक पत्ती छोटी दूसरी बड़ी फिर एक मीडियम प्रकार के, इस तरह की जो जाति होती है उसको बोलते हैं विषम पर्णी जाति, ठीक है। पढ़ा था हमने यूरोस्टाइकिया और रेफ्रोस्टाइकिया के अंदर अंतर पढ़ा था पत्तियों के अंदर। तो ऐसी जातियों में जो पत्तियां होती है वो होती है अधोरंध्री, यानी कि हाइपोस्टोमेटिक, जिनमें ऊपर की सतह तो होती है सपाट और नीचे की सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। नीचे की तरफ में गैप पाया जाता है और ऊपर जो होती है वो कैसी होती है, सपाट होती है, कहीं कोई कोई रंध्र उसके अंदर नहीं होता है, खाली स्था मतलब पेक होती है वो, और नीचे की तरफ में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, समझ में, ठीक है। उसको बोलेंगे हाइपोस्टेमिक या हाइपोस्टोमेटिक, ठीक है, अधोरंध्री। तो दो तरह की पत्तियां पाई जाती है इसके अंदर, एक एम्फीस्टोमेटिक और दूसरी हाइपोस्टोमेटिक, दोनों ही प्रकार की। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषम पर्णी जातियों में किस प्रकार की किस प्रकार के पत्तियां पाई जाती है, या पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, तो कैसे होते हैं, हाइपोस्टोमेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें जो मीजोफिल होता है, मीजोफिल कहाँ होता है, मीजोफिल होता है बीच में, ये जो बीच वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये क्या है आपका, मीजोफिल है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पर्ण मध्य ऊतक। क्या बोलते हैं, पर्ण मध्य ऊतक या पर्ण मध्य ऊतक। ये जो मीजोफिल होता है ये अविभेदित होता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, कोई अलग से, जैसे जो एंजियोस्पर्म की पत्ती होती है उसमें पेलिसेड ऊतक होता है एक, मीजोफिल पेलिसेड ऊतक, मीजोफिल पेलिसेड, इस तरह से डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पर ये अविभेदित होता है, पूरी पत्ती के अंदर पूरा का पूरा मीजोफिल भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर पर्ण हरित वाली कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है, ठीक है। इनके बीच में इंट्रा सेलुलर स्पेस भी पाया जाता है, यानी कि अंतरा कोशिकीय अवकाश भी यहाँ पर उपस्थित होता है, ठीक है। अब ये जो लीफ होती है इनमें कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, बिल्कुल केंद्र में संकेंद्रित, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर धंसा हुआ रहता है, क्या, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये जो वेस्कुलर बंडल होता है, ये वेस्कुलर बंडल जो होता है कंसेंट्रिक होता है, बिल्कुल सुकड़ा हुआ, मतलब उसको ऐसा लग रहा है ये, जिसे जितनी मीजोफिल कोशिकाएं हैं ना, इन्होंने इसको सुकेड़ दिया है, मतलब दबाव दे देकर इसको छोटा कर दिया, ऐसा नजर आता है, इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक, ठीक है, बिल्कुल सांद्रित प्रकार का, बिल्कुल कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रिक से मतलब समझ सकते हो, कंसेंट्रेटेड बिल्कुल सांद्र प्रकार का, बिल्कुल गुथा हुआ, ऐसा वेस्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। अब इसमें भी खास बात ये होती है कि इसमें जो जाइलम होता है वो केंद्र में होता है, तो जाइलम यहाँ पर क्या है, केंद्र के अंदर है, और इसके आसपास क्या है, फ्लोएम है, इसके चारों तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम के अंदर, अब देखो जाइलम में और फ्लोएम में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और तने में वो प्रेजेंट थी या नहीं थी, इसको भी हम मैप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जाइलम के अंदर ट्रेकरी एलिमेंट, जिसको बोलते हैं वाहिका तंतु, में वलयाकार तथा सर्पिलाकार स्थूलन पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है जाइलम के अंदर यहाँ पर, वहाँ पर तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम था, तो उसमें प्रोटोजाइलम में अलग प्रकार का था और मेटाजाइलम में अलग प्रकार का था। प्रोटोजाइलम में था वहाँ पर स्पाइरल, प्रोटोजाइलम में कौन सा था, स्पाइरल प्रकार का था, और दूसरा कौन सा था वहाँ पर, एनुलर प्रकार का, एनुलर, ठीक है। और मेटाजाइलम में था स्क्लेरीफॉर्म,
स्क्लेरिफो याद होगा आपको, और दूसरा क्या था वहां पर, वो इस तरह का क्या नाम भूल गया मैं उसका, ध्यान नहीं रहा, भूल गया, स्क्लेरिफोम और पिटेट, पिटेट ठीक है याद आ गया, पिटेट। तो ये दो तरह का तो उसमें था मेटाजाइलम में, ये तो था मेटाजाइलम में, और ये किसमें था, प्रोटोजाइलम में था। ठीक है याद आ गया, मुझे भी आ गया, आपको भी आ गया होगा। ठीक है चलिए, अब यहाँ पर भी जो जाइलम होता है उसकी जो ट्रेकिया होती है, मतलब जो ट्रेकिड्स होते हैं, उन ट्रेकिड्स के अंदर जो वाहिका होती है, ट्रेकिड्स को बोलते हैं वाहिका, ठीक है, और वेसल्स जो होती है उसको बोलते हैं वाहिनिकाएं। तो यहाँ पर जो वाहिका होती है उस वाहिकाओं के अंदर वलयाकार यानी कि एनुलर और स्पायरल, जैसा कि उसके प्रोटोजाइलम में पाया जाता था, उसी प्रकार का यहाँ पर हमें थिक रिंग पाया जाता है। ठीक है इसी तरह फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं और मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि सह कोशिकाएं यहाँ भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना, वहाँ भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं होंगी। ठीक है यह हो गया बात। अब जो बंडल है, इस बंडल के चारों ओर दृढ़ोत्तक की कोशिकाओं से निर्मित पेरिसाइकिल उपस्थित होता है। तो यहाँ पर भी हमें एक पेरिसाइकिल की रिंग प्रेजेंट हो सकती है, मिल सकती है। ठीक है एंडोडर्मिस यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, सुस्पष्ट नहीं होता है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि एंडोडर्मिस होगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर एंडोडर्मिस के ट्रेसेज मिले हैं। कुछ कुछ जो स्पीसीज है लाइकोपोडियम की, उनके अंदर एंडोडर्मिस जैसे ट्रेस में मिले हैं। ठीक है एपिडर्मिस में वेस्कुलर बंडल के पर्णमध्यों तक यानी कि मीजोफिल ऊतक भरा होता है। एपिडर्मिस से लेकर, ये एपिडर्मिस से लेकर इस एपिडर्मिस, वो वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल है और ये एपिडर्मिस है, इसके बीच बीच में यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा मीजोफिल है। क्या है ये, मीजोफिल है। ठीक है जो कि स्पॉन्जी टिश्यू वो पेलिसेट टिश्यू में विभाजित नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म में ये विभाजित होता है, यहाँ पर विभाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पर विभाजन नहीं पाया जाता है। तो ये थी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ की आंतरिक संरचना, क्या क्या चीज़ें थी हमने देखा इसके अंदर और ध्यान से समझा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप रिवाइज करके देख लीजिए, बहुत छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, तो आपको अच्छा लगेगा, दोबारा से याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।